नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, नियमी योजना का अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है और आप इंतज़ार कर रहे हैं मैसेज का, तो ना मैसेज का इंतज़ार आप नहीं कीजिए। आप डायरेक्ट आज के वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। डायरेक्ट आप अपने ज़िला में जाइए विभाग। हमारे टेलीग्राम चैनल हैं, वहाँ पे ग्रुप चलता है। ग्रुप में जितने भी उद्यमी लोग हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, वो चैट करते रहते हैं कि किस जिला में कौन सा वेरिफिकेशन है, कहाँ पे दिक्कत है, कोई किस उनका किस चीज़ से दिक्कत हुआ है, वो सारा वो लोग अपने में चैट करते रहते हैं। उनसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस वीडियो को अभी इन नहीं हुआ है, पहले समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उद्यमी योजना से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप में आप चैटिंग कीजिए कि भाई आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन जिला में है, आप किस जिला से हैं। वहाँ लोग अपने से चैट करते रहते हैं, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि मान लेते हैं कि कम से कम 205 आदमी तो वहाँ पर ग्रुप में रहेगा ना, तो ग्रुप में एक जैसा एक आदमी रहिएगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में BST ऑल टिप्स सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपका ये ऐसा BST ऑल टिप्स का इंटरफेस आएगा, वहाँ पे आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर जो भी आपका समस्या है वो वहाँ पर आप लिखिएगा, तो उनसे समस्या से रिलेटेड जो भी अभ्यर्थी होंगे वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। हम आप लोगों से यह भी अपील करते हैं कि जो सवाल अगर कोई पूछता है तो उनका जवाब आपके पास है, तो बेझिझक आप उनको जवाब दीजिए, आप उनको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट देखिए, आप ये बारी बारी से आप सपोर्ट कीजिएगा। जलन नहीं करना है। जलन करने से क्या होगा, हो सकता है कि भाई मान लेते हैं कि किराने की दुकान है, तो जिसका एक मोहल्ला में कई दुकान रहता है, तो जिनका बेनिफिट ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा बढ़िया माल रहेगा तो वहाँ पर कस्टमर ज़्यादा करेगा। तो ऐसा भेदभाव मत कीजिए कि आपके कि जिस जिला से आप आते हैं अगर कोई पूछता है तो उनको सपोर्ट जरूर कीजिए। हम आपसे बताने वाला हूँ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो इसलिए लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी कागजात, फोटो आपको ले जाना है। अगर मैसेज आपका आ गया है, एक मैसेज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उस प्रकार का अगर मैसेज आपको आ गया है तो आप क्या कीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे सभी कागजात में बता रहा हूँ, जैसे फ़ोटो कम से कम आपको 4 से 5 फ़ोटो ले जाना है। 4 से 5 फ़ोटो कम से कम आपको रखना है। मैक्सिमम जितनी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपका 4 फ़ोटो होना चाहिए। एफिडेविट यानी शपथ प्रमाण पत्र होता है, तो एक शपथ प्रमाण पत्र आप उससे मांगा जाएगा। और शपथ प्रमाण पत्र आप वहाँ पे पहले जाइएगा, अगर ज़्यादा यहाँ पर समझ में आपको ना है तो पहले आप मैसेज एक आया हुआ है, ठीक है, उसके बाद दोबारा मैसेज नहीं आता है। एक बार वो मैसेज आया हुआ है फाइनल जो डॉक्यूमेंट का लिखा हुआ कि डॉक्यूमेंट आपका अप्रूव हो कर दिया गया है, तो उस प्रकार का अगर मैसेज आपके पास आया है तो आप इस डॉक्यूमेंट आप ले जाइए। 2 पेज का फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, 2 पेज का फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए। एफिडेविट शपथ प्रमाण पत्र हो गया, 2 पेज का फॉर्म भरा हुआ, आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट है सारा का सारा ओरिजिनल ले जाना है, और वहाँ पर फोटो जेरोक्स भी लेता है लेकिन ओरिजिनल भी वहाँ पर देखेगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो ओरिजिनल आपको ले जाना है। ओरिजिनल ले जाएंगे, इसके बाद पैन कार्ड की बारी आता है, तो आधार कार्ड के क्या करेंगे, फ़ोटो कॉपी भी ले जाएंगे, ओरिजिनल भी रख लेंगे साथ में। अब ओरिजिनल नहीं रहेगा तो फिर आइएगा लाने, सब चीज़ ओरिजिनल रख लीजिएगा। इसके बाद पैन कार्ड की बारी आती है, तो पैन कार्ड जो होता है ओरिजिनल वाला और जीरोक्स भी, जीरोक्स का भी जरूरत पड़ेगा, ओरिजिनल भी आपसे मांगा जाएगा, तो ओरिजिनल भी रख लेंगे। जाति प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र,
ये होनी चाहिए, सारा का सारा आपको ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल ले जाना है, ओरिजिनल होनी चाहिए। यहाँ पर ओरिजिनल होनी चाहिए। आवेदन पर प्रपत्र फॉर्म भरने वाला 10 पेज का आता है। आप अपने संबंधित जिला जो कार्यालय है वहाँ पे आप जाइए, जाने के बाद वहाँ पर सारा का सारा फॉर्म आपको मिलता है, वहाँ पे आपको हो जाएगा। तो एक बार जब आपका मैसेज आ गया है तो दोबारा मैसेज का इंतजार नहीं कीजिएगा, दोबारा अगर आ गया तो और बढ़िया बात है, अगर नहीं अभी आया है तो फिर भी आप जा सकते हैं। आवेदन प्रपत्र फॉर्म भरने वाला 10 पेज का ले लेंगे, 10 पेज का। इसके बाद मैट्रिक का माइग्रेशन ले लेंगे और CLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है वो ले लेंगे। तो ये कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट CLC हो जाएगा। इंटर का मार्कशीट रख लेंगे, इंटर का जितने भी डॉक्यूमेंट है वो रख लीजिएगा। इंटर का मार्कशीट हर हाल में चाहिए, जिस पर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब है कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन या GST, जिसके पास GST नहीं है तो फॉर्म जो शॉप का लाइसेंस बना हुआ है ना आपका, तो शॉप का जो लाइसेंस है शॉप का लाइसेंस आप दे सकते हैं। शॉप का लाइसेंस नहीं है तो GST से काम चल जाएगा, क्योंकि फॉर्म का नाम उसी पर आता है ना, तो ये डॉक्यूमेंट आपका होगा। इसके बाद आता है कि आपका आय प्रमाण पत्र, आय इनकम जो प्रमाण पत्र है ब्लॉक लेवल से बनता है ना वो वाला लेना है। ज़मीन का रसीद, LPC और किरायानामा, जिनका ये तीनों में से कोई एक लेना है। ज़मीन का रसीद, LPC और किरायानामा, तीनों में से कोई एक लेना है। कैंसिल चेक, जो रद्द चेक होता है रद्द चेक कैंसिल चेक ले लेना है। और बैंक का स्टेटमेंट चाहिए, करेंट अकाउंट होनी चाहिए, जो आप व्यक्तिगत दिए थे वो ना हो करके आप करेंट अकाउंट जो फर्म के नाम पर वो लाएगा। बैंक स्टेटमेंट आपका चाहिए। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरा। फोटो हमने क्या बताया, 15 डॉक्यूमेंट में फोटो एफिडेविट, 2 पेज का फॉर्म, आधार, पैन, जाति, निवास, आय प्रपत्र फॉर्म भरने वाला 10 पेज का, और मैट्रिक माइग्रेशन CLC इंटर का, और फॉर्म रजिस्ट्रेशन GST, दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा, या अगर दोनों है तो और बढ़िया बात है। आय हो गया, ज़मीन का रसीद, LPC किरायानामा, तीनों में से कोई एक चाहिए, कैंसिल चेक, बैंक स्टेटमेंट, टोटल 15 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब होने के बाद मैसेज आया नहीं आया वेरिफिकेशन के दौरान, यही सब डॉक्यूमेंट अभी लग रहा है। इसके बाद सारा का सारा जितने भी है आपकी मैसेज का इंतजार नहीं कीजिए। अब वहाँ पर आप अपने जो जिला है, जिला उद्योग विभाग है वहाँ पे जाइए।